प्रसिद्ध महाकाल मंदिर दे विच उदों वड्डा हादसा वापर गया जदों एक नवी उसारी जा रही कंध टै ढेरी हो गई। मलबे दे हेठां चार लोग दब गए जिन्हां दे विचों दो दी मौत हो गई ते दो जख्मी होए ने जिन्हां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया। दस्सिया जा रहा है कि कंध दे उत्ते ही एक कंध उसारी जा रही सी ते तेज बारिश दी मार नहीं चल सकी ए नवी कंध, जिस करके पूरी दी पूरी दीवार ही टै ढेरी हो गई ते इत्थे काम करन वाले इस कंध दे हेठां दब गए। चार लोगों दे विचों दो दी मौत हो गई है ते दो जख्मी हालत दे विच हस्पताल च जेरे इलाज है। दस्सिया जा रहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर दे गेट नंबर 4 दे सामने ही ये महाकाल लोक फेज 2 दे दौरान बनी एक कंध दे उत्ते ही होर कंध बनाई जा रही सी ते जदों तेज बरसात आई ता ये कंध इस बरसात दी मार नहीं चल सकी टै ढेरी हो गई, जिस करके चार लोग इस दीवार दे मलबे हेठां दब गए अते दो दी मौत हो गई। उधर ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे वल्लों मृतकां दे परिवारां दे लई माली मदद दा ऐलान कीता गया, जिथे मृतकां दे परिवारां नूं 4-4 लाख रुपए ते जख्मी लोकां दे परिवारां नूं 50-50 हज़ार रुपए दी माली मदद दित्ती जाएगी। इस विचाले इस निर्माण कार्ज नूं लैके भी किवें हादसा वापरिया इस लई जांच दे आदेश भी दित्ते गए ने। दस दिए कि मंदिर दे विच जदों चीक चिहाड़ा मच गया जदों कंध अचानक डिग गई ते इत्थे चार लोग इस कंध दे मलबे हेठां दब गए सन। एक कंध दे उत्ते ही नवी कंध उसारी जा रही सी ते इसे विचाले हादसा होया जदों तेज बरसात हुई ते कंध टै ढेरी हो गई। फिलहाल इस हादसे नूं लैके जांच पड़ताल कीती जा रही है ते जख्मियां दी मदद कीती जा रही है ते नाल ही मृतकां दे परिवारां नूं भी माली सहायता दित्ती जा रही है। वाकई में बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा आज महाकाल के आंगन में हुआ है। बड़ा गणपति गेट नंबर 4 में खुद यहाँ दर्शन के लिए आया था, बरसते पानी में इनके बाबा के दर्शन करेंगे। और यहाँ जैसे ही देखा हमने आके तो एकदम चिल्ला छूट मच्छी हो रही है। दीवार ऊपर जो पक्की दीवार के ऊपर जो कच्ची दीवार बनी थी, एक 8 इंची दीवार, वो मिट्टी के साथ पानी भराया पीछे, उसे पूरी धस गई। नीचे बैठ के व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे गरीब लोग जिसमें बच्चे महिला पुरुष दोनों थे, ऐसे करके 10-12 लोग यहाँ बैठे थे, चिल्ला छोट मची। मैंने यही गाड़ी ठिकाई और तत्काल यहाँ से नगर निगम को फोन करा। नगर निगम का अमला पूरा ताकत से आया, वो पूरे राहत कार्य में लगे हैं। जो घायल हुए उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि 4 लोग थे, लेकिन आपने कुछ देखा है यहाँ पर कितने लोग? 10-12 लोगों को यहाँ से बिठा के अस्पताल भेजा गया है। हो सकता है भाव महाकाल सबकी रक्षा करे, और मैं आपके माध्यम से परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जो घायलों को जो है भाव महाकाल शक्ति प्रदान करो, स्वस्थ होकर घर लौटे। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव के कारण कट करके गिरा है, और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हुई है, और 2 लोग, एक बच्ची है और एक और महिला है, उनको इंदौर रेफ़र किया गया है। सर वहाँ पर जो है रेस्क्यू पूरा हो चुका है, क्या स्थिति? वहाँ पर पूरा रेस्क्यू किया जा चुका है। ये 4 लोग थे जो कि इस घटना में चोटिल हुए थे, आहत हुए थे, और उनको यहाँ पर तुरंत जिला अस्पताल लाया गया था, और जैसे मैंने बताया 2 लोगों का भी हम लोगों ने इंदौर रेफर किया है। सर कुछ समय पहले ये दीवार बनाई गई थी, कुछ में जांच के निर्देश दिए, जो लापरवाही होगी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? महाराजवाड़ा स्कूल की दीवार है जिसको कि वैसे पुरानी थी, और उसके बाद जो है विभिन्न समय पर उसको रीइन्फोर्समेंट किया गया था और फिर से बनाया गया था, तो इसमें निश्चित तौर पर जांच की जाएगी कि ये दीवार किन कारणों से गिरी है और इसके आगे क्या उपाय किए जा सकते हैं। कोई कमेटी गठित करने का निर्देश दिए सर? इसमें SDM जांच करेंगे कि किस कारण से ये जो है दीवार गिरी। टाइम ऑफ एसी ये दिखाई पड़ रहा है कि लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल भी बहुत तेज़ बारिश पूरे उज्जैन में हुई थी, तो पानी जो ऊपर से आ रहा था महाराजवाड़ा स्कूल की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिला होगा, जिस कारण से ये दीवार गिरी है। जो RBC 6-4 के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा से हुई दुर्घटनाओं पर मदद होती है, वो मदद दी जाएगी।